नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। तो फाइनली देखिए बैंक निफ्टी में, देखिए हम दो दिनों से हम सेम चीज देख रहे हैं। बैंक निफ्टी ऊपर जाकर ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है और गैप अप ओपन होने के बाद जो है गिरावट नीचे की तरफ होती है। तो हमने कल भी यही चीज देखी और आज भी यही चीज देखी। तो आज हम जो है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आज ऐसा मतलब क्यों हुआ और आगे जो है मंडे के सेशन में मार्केट किस तरह से मूव करने वाली है या क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या क्या हो सकता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उसके बारे में भी एनालिसिस करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए यहां पर देखते हैं कि आज यहां पर बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो फाइनली यहां पर देखिए बैंक निफ्टी ने अगेन देखिए ऊपर की तरफ जो जहां से गैप अप ओपन हुई थी वही हमारा हाई लगा। मीन्स मतलब जहां से गैप अप ओपन हुई वहीं से गिरना चालू हो गई और उसके बाद फाइनली उसके बाद कभी भी इस लेवल को टच नहीं किया इसने अपनी हाई को। तो यहां पर देखिए जो हाई लगा, हाई आज यहां पर है 32,300 के आसपास का है, 32,298 और लो जो है वो देखिए 32,000 के आसपास का है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि हम यहां पर सिर्फ 300 पॉइंट्स की रेंज के अंदर, 300 से भी कम पॉइंट इसकी रेंज के अंदर ही हम घूमते रहे। यहां पर ऊपर नीचे मार्केट काफी वॉलेटाइल थी। वॉलेटाइल का मतलब देखिए एक 100 पॉइंट से नीचे आती थी और 100 पॉइंट ऊपर जाती थी, फिर 100 पॉइंट नीचे आती थी। तो इस तरह से हम कहते हैं ये वॉलेटाइल मार्केट। तो मार्केट आज काफी वॉलेटाइल थी, ठीक है ना। ये मार्केट ज्यादातर जो है स्टॉप लॉस हंटिंग करती है। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में और 5 मिनट के चार्ट में देखते हैं कि यहाँ पर जो है फाइनली हमने कौन कौन से ट्रेड बनाए, कैसे बनाए। देखिए मोस्टली ट्रेड जो है हमने जो है 11 बजे से पहले पहले ही ले लिए थे। 5 ट्रेड, 6 ट्रेड, 7 ट्रेड जो भी लिए पहले ही मतलब मैं इसे ले लेता हूँ, क्योंकि अगर 11 मार्केट को साइडवेज होना है तो 11 बजे के बाद जो है 10 बजे के बाद जाके मार्केट साइडवेज हो जाती है। और मोस्टली देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि मार्केट आज साइडवेज होगी भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने कल जो आपको एनालिसिस करके बताई थी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको पीछे करूंगा और ट्रेंड लाइन को इसको जगह पर लेने की कोशिश करूंगा। अब देखिए कल मैंने क्या बताया था आपको, कल मैंने बताया था कि ये ट्रेंड लाइन के आसपास बिल्कुल यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, ठीक है, मैंने कल आपको ये चीज बताई थी। तो देखिए बाउंस बैक हो सकता है तो हमको किस सिनेरियो में प्रॉफिट मिलता है, हमको प्रॉफिट उस सिनेरियो में मिलता है जब यहाँ पर मार्केट फ्लैट ओपन होती, फ्लैट ओपन होने के बाद ये लेवल ब्रेक होता, उसके बाद ऊपर जाती, फिर हमको यहाँ पर जो है प्रॉफिट मिलता। अब देखिए मार्केट जो है यहाँ पर बंद हो रही है नियर अबाउट 31,950 के आसपास और ओपन हो रही है 32,300 के आसपास। तो देखिए 300 पॉइंट्स यहां पर हम कह सकते हैं कि पहले 350 पॉइंट्स ऑलरेडी यहां से मूव कर चुकी है। तो अब हम क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, अब जिसने यहां पर बाय किया होगा, जिसने मान लीजिए 31,950 के आसपास बाय किया होगा, उसको तो 350 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो उसको और क्या चाहिए। सो यहां पर इसलिए प्रॉफिट बुकिंग आती है जब इस तरह से गैप अप ओपन होता है, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग आती है यहां पर। तो फाइनली देखिए यहां पर जो प्रॉफिट बुकिंग आई और वो रिकवर नहीं हो सकी सारा दिन, और सारा दिन हम जो है फ्लैट एक मूव में चलते रहे। तो फाइनली यहाँ पर देखिए पहला ट्रेड हमने ये जो 5 मिनट की कैंडल थी इसके लो के नीचे हमने बना लिया था, तो यहाँ भी एक छोटा प्रॉफिट मिला। अगेन जो है देखिए किस तरह से छोटे छोटे हमने यहाँ पर ट्रेड बनाए थे, कभी 1:1 मिला, कभी 1:2 मिला, कभी 1:3 भी मिला, ठीक है। जो हमको आज अच्छा प्रॉफिट हुआ वो मोस्टली हमको निफ्टी के ट्रेड में हुए थे। तो निफ्टी के ट्रेड में हमने आज निफ्टी में ज्यादा ट्रेडिंग की है, तो निफ्टी में हमको जो है अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो चलिए जो हम चलते हैं, हम देखते हैं एनालिसिस पे चलते हैं और देखते हैं कि मंडे के सेशन में किस तरह से यहाँ पर मूव हो सकती है, हमको क्या करना है। चलिए फाइनली मैंने यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है और अब हम यहाँ पर एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो अब देखिए अब ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन मैं आप लोगों को प्रॉपर यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ और इसके बाद अब हम इस ट्रेंड लाइन पर जो है एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पर जो है फाइनली प्रॉपर ड्रॉ कर दिया है। अब ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं आप, मैंने नीचे से यहाँ से ड्रॉ की है। अब ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यू इसके लिए सपोर्ट का काम कर रही है। देखिए यहाँ पर एक बार आया और बाउंस बैक लेकर जो है ऊपर की तरफ जा चुका है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो फ्लैट ओपन होने के बाद इस ट्रेंड लाइन के आसपास जो होगी, मीन्स मान लीजिए यहाँ से 150 पॉइंट यहाँ से ओपन होती है, नीचे की तरफ आती है, अगेन यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। देखिए मैं आपको चीजें जो है ध्यान से सुनिएगा, मैं चीजें अच्छे से समझाने जा रहा हूँ। तीन सिनेरियो बताऊंगा मैं आप लोगों को, एक फ्लैट ओपनिंग बताऊंगा, एक गैप अप ओपनिंग बताऊंगा और एक जो है गैप डाउन ओपनिंग बताऊंगा। तो अब देखिए हमको फ्लैट ओपनिंग में किस तरह से करना है, हमको फ्लैट ओपनिंग में देखिए मैं आपको फिगर बनाकर समझाता हूँ। फ्लैट ओपनिंग में भी मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट ओपन हुआ और यहां से इस तरह से कुछ ऊपर नीचे होने के बाद फाइनली इस लेवल के पास आता है। अब ये जो लेवल है हमारा, ये 31,950 का लेवल है। 31,950 का लेवल के पास आप जो देख रहे हैं, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है और दूसरा हमारे पास ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, ट्रेंड लाइन ने एक बार यहाँ पर जो है इसको टच करके ट्रेंड लाइन को यहाँ से बाउंस बैक हुआ था। तो मे बी यहाँ पर चांसेस ये हैं
कि इस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद यहां से बाउंस बैक हो सकता है। ये थी फ्लैट ओपनिंग की बात कि फ्लैट ओपनिंग में हमको इस तरह से करना है। अब हम बात करेंगे गैप अप ओपनिंग की और गैप डाउन ओपनिंग की, कि गैप अप ओपनिंग में किस तरह से ट्रेड करना है और गैप डाउन ओपनिंग में किस तरह ट्रेड करना है। अब मान लीजिए यहां पर जो क्लोजिंग आई है वो आई है 32,078 की। मान लीजिए यहां से 100 से 125 पॉइंट से यहां पर गैप डाउन ओपनिंग होती है। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद हमको देखिए 100 से 125 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग हमको यहां पर लेके आ जाएगी 31,950 31,960 के आसपास। तो इस लेवल के पास अगेन देखिए ये जो है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी होगा और यहां पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी होगा, तो यहां से मे भी बाउंस बैक हो सकता है। अब मैं तीसरा सिनेरियो आपको बाइंग के बता देता हूं कि तीसरा सिनेरियो हम बाइंग किस तरह से कर सकते हैं। अब यहां से देखिए हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद मानिए फ्लैट ओपनिंग होती है या फिर इस 31,950 के आसपास ओपनिंग होती है और फाइनली जब इस लेवल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है जो हमने ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, तब हम यहाँ अगर आप सेफ जाना चाहते हैं तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने के बाद जाइए, आप बिल्कुल वहां पर सेफ होंगे। तो तीसरे सिनेरियो में हम इस तरह से बाइंग कर सकते हैं। अब देखिए अब हमारा रह गया गैप अप ओपनिंग की, गैप अप ओपनिंग में हमने किस तरह से ट्रेड करना है। अब देखिए मान लीजिए 32,050 32,060 के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग है, तो यहां पर मान लीजिए कोई गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट आपको 32,300 लेवल के आसपास मिलती है, तो 32,300 लेवल हमारे लिए एक अभी जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहां पर जब भी हमको मार्केट मिलेगी हम यहां पर सेलिंग के लिए देखेंगे रेदर देन बाइंग, ठीक है। तो यहां पर अगर गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहां पर कोई डोजी कैंडल दिखे या कोई शूटिंग स्टार कैंडल दिखे तो मे भी यहां से सेलिंग आ सकती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और सेलिंग जो आएगी हमारा टारगेट जो है 150 से 200 पॉइंट्स पहला टारगेट हमारा होना चाहिए, मीन्स हम जो है 32,100 के आसपास हमको यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में, जो बैंक निफ्टी में स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। अच्छा दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो निफ्टी की एनालिसिस है वो मैं निफ्टी की एक अलग वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि आगे जो है वीकेंड है तो वहां पर मेरे पास टाइम है, कोई इश्यू नहीं है। तो निफ्टी की वीडियो और निफ्टी 50 में जो भी स्टॉक ट्रेड करते हैं उन सबकी वीडियो में बनाकर डाल दूंगा। तो बाकी ये सब देखिए ये जो मार्केट में जो स्ट्रक्चर चलता रहता है, जो लाइव मार्केट में जो सिनेरियो मार्केट में चल रहा होता है, जो सपोर्ट इंपॉर्टेंट है या फिर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाला है या कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को कंटिन्यू टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करते रहता हूं। और वहां पर मैं अपनी निफ्टी और बैंक निफ्टी की मैं अपने जो पर्सनल ट्रेड मेरे होते हैं वो सारी चीजें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। सो अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में। तो फाइनली हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में। यहाँ पर एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक देखिए मैंने यहाँ पर बताया था जो ये बड़ी कैंडल बनी हुई है ब्रेकआउट की कैंडल, तो इसके ऊपर बाय करने को बताया था 665 के ऊपर। फाइनली देखिए अब यहां पर देखिए हम कहां तक पहुंच चुके हैं 672 तक। अब यहां पर देखिए स्लो एंड स्टडी मूव हो रही है, बहुत धीरे धीरे यहां पर मूव हो रही है। तो एक बार देखिए यहां पर अगर मान लीजिए रीटेस्ट करने के लिए आता है, तो मैंने यहां पर एक ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ की है। अब मान लीजिए यहां से अगर नीचे की तरफ आता है तो जो ये ट्रेंड लाइन है ट्रेंड लाइन के आसपास आकर सपोर्ट ले सकता है, और ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद यहां पर एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। वहां से हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, वहां से अगर पोजिशनल बाय करना चाहे पोजिशनल बाय भी कर सकते हैं। बाकी इंट्राडे में अगर कोई स्ट्रक्चर बनता होगा तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बंधन बैंक। तो बंधन बैंक देखिए जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक हम यहां पर ट्रेड नहीं करेंगे। फाइनली आज जो है देखिए आज बंधन बैंक ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, क्लोजिंग इसके ऊपर आ चुकी है। अब यहां पर देखिए जो यहां पर रेजिस्टेंस है ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल था। अब कल देखिए मंडे के सेशन में अगर 421 का लेवल क्रॉस करता है तो यहां पर हमारा टारगेट इंट्राडे में 425 और 430 का होगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एचडीएफसी बैंक। भाई एचडीएफसी बैंक ने तो बिल्कुल पका दिया है, 3 महीने हो चुके हैं, ना ये ऊपर की तरफ निकल रहा है ना ये नीचे की तरफ निकल रहा है। अब ये समझ लीजिए कि जिस टाइम भी ये निकलेगा बहुत जबरदस्त यहाँ पर मूव होने वाली है। दूसरा देखिए अगर यहाँ पर हम अभी बाइंग के लिए तो देखिए हमको कोई सिनेरियो नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पर अगर नीचे सेलिंग के लिए आता है, ये 1400 के नीचे क्लोजिंग करता है तो हम यहाँ पर इंट्राडे में सेलिंग के लिए जा सकते हैं। बाइंग सिर्फ 1450 की क्लोजिंग के ऊपर ही जाना है, अदरवाइज अभी यहाँ पर ट्रैप नहीं होना है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। देखिए आईसीआईसीआई बैंक मैंने यहाँ पर बताया था कि आपको हमको यहाँ पर जो है अभी बाइंग नहीं करनी है। सो यहाँ पर देखिए आज कोई सेलिंग का भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बना और ना ही बाइंग का बना। देखिए बनेगा भी कैसे है, बैंक निफ्टी को ही आपने देखा तो जब स्टॉक्स चलेंगे तभी बैंक निफ्टी में मूव होगी, तो जब स्टॉक्स ही नहीं चले तो बैंक निफ्टी में कहां से मूव होगी। स्टॉक्स आप देख रहे हैं जहां पर खुले हैं वहीं पर 1-2% ऊपर नीचे होकर जो है क्लोजिंग आ चुकी है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंडसइंड बैंक। तो देखिए अब इंडसइंड बैंक मैंने यहां पर क्लियर कट बताया था कि हमको यहां पर सेलिंग के लिए नहीं जाना है, हमको यहां पर बाइंग के लिए जाना है। देखिए बाइंग के लिए हमने कब जाना था कि हमको एक 5 मिनट की कैंडल मिलती, स्टार्टिंग की 5 मिनट की कैंडल मिलती और उसके ऊपर हम जो है बाइंग कर सकते थे। चलिए चलते हम यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में देखते हैं हमको यहाँ पर इस तरह कुछ सिनेरियो मिला कि नहीं मिला। अब यहाँ पर देखिए ये हमने फाइनली 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया है और ये 5 मिनट की पहली कैंडल है। अब देखिए 5 मिनट की पहली कैंडल है, अब इसके ऊपर जो है जो इसका हाई है ये 976 का है और इसका जो लो है वो समझ लीजिए 960 का है, तो 16 पॉइंट्स की ये कैंडल है।
अब 5 मिनट की कैंडल के ऊपर किसी नेक्स्ट कैंडल ने क्रॉस ही नहीं किया। ये देखते हैं, हम आगे देखते हैं, यहां पर देखिए कंटिन्यू मार्केट नीचे की तरफ चलती चली गई। सो हमने यहां पर बाइंग के लिए यहां पर अपना स्ट्रक्चर बना के रखा था, अपना सिनेरियो बाइंग के लिए बना के रखा था। सो यहां पर देखिए बाइंग के लिए यहां पर कोई सिनेरियो नहीं बना। सो यहां पर इंडसइंड में कोई बाइंग हुई ही नहीं। चलिए अब मैं 1 डे का चार्ट कर लेता हूं, तो यहां पर देखते हैं अब। तो अब देखिए मे बी क्या हो सकता है, मे बी यहां पर देखिए जो इसने ब्रेकआउट दिया था, अब ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है। कब हो सकता है? जब ये ब्रेकआउट अपना लो ब्रेक करेगा, 930 का लेवल जब ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, तो हम समझ लेंगे कि ये फेक ब्रेकआउट है और हमारा ये ट्रेंड लाइन के आसपास आने की प्रोबेबिलिटी ये जो है बढ़ जाएगी। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोटैक बैंक। तो कोटैक बैंक भी देखिए, अब इसको एक बार ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलने दीजिए, फिर हम यहाँ पर बाइंग करेंगे। देखिए अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए 5 जनवरी और यहाँ पर उसके 6 जनवरी, उसके बाद अगेन यहाँ पर 8 जनवरी, तीन दिनों की कैंडल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल सेम कैंडल बनी हुई है। तो अब यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर 2000 की क्लोजिंग के ऊपर या फिर 1985 के ऊपर, 1985 के ऊपर अगर इंट्राडे में निकलता है तो यहाँ पर टारगेट हमारा 2000 और 2020 का होने वाला है। ये लेवल जो है ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक को देखिए मैंने बताया था आपको यहाँ पर हाई के ऊपर बाइंग करने के लिए, तो 275 के ऊपर जो है निकला ही नहीं, फाइनली यहाँ पर एक रेड कैंडल बना दी है। सो यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा वीक लग रहा है रेदर देन निफ्टी। निफ्टी में देखिए आज कितनी जबरदस्त मूव हुई है, आज हमने 5-6 ट्रेड निफ्टी में लिए और बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट निफ्टी में मिले। बट वही अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में देखिए हमको 1:1 भी लेके निकलना पड़ रहा था, 1:2 भी लेके निकलना पड़ रहा था। 60% क्वांटिटी बुक करते थे, 80% बुक करते थे, जो 20% रह जाता था उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाता था। मतलब इस तरह से देखिए हम जो ट्रेल अपना स्टॉप लॉस करते हैं वो अपने कॉस्ट के ऊपर ही रखते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम अपने कॉस्ट पे हम निकल रहे हैं, नहीं, अपने कॉस्ट पे नहीं, हम अब जो है प्रॉफिट लेकर ही निकलते हैं। वो जो ट्रेलिंग एसएल हिट होते हैं वो कॉस्ट वो प्रॉफिट देकर ही जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए 80% में तो हमने जो फुल प्रॉफिट बुक किया, ठीक है ना, जितना हमको चाहिए था, उसके बाद हमने रख दिया उसको ट्रेल होने के लिए कि मतलब जब ये और ऊपर जाता जाएगा तो अपने स्टॉप ट्रेल करते जाएंगे। हम मान लीजिए हमने 100 रुपये बाइंग की है और 95 का स्टॉप लॉस रखा है, तो अब हमारा टारगेट 110 आ गया, तो 110 पे हमने 80% क्वांटिटी बुक की है। अब हमने अपना स्टॉप लॉस क्या कर दिया, 105 पे कर दिया। देखिए बाइंग हमारी 100 की है बट जो 20% जो हमारे पास रह गया था क्वांटिटी, उसको हमने उसके स्टॉप लॉस हमने 105 पे कर दिया। तो मार्केट देखिए 110 के ऊपर ना जाकर अगेन जो 105 के पास आती है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके जा रही थी। मार्केट में कुछ इस तरह का सिनेरियो आज चल रहा था। आज ज्यादा इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में नहीं था, निफ्टी में ज्यादा इंटरेस्ट आया जो ट्रेड करने में। नेक्स्ट स्टॉक हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए जैसे मैंने आपको चैनल बना के बताया था, फाइनली अपर चैनल पर था। मैंने आपको इसको भी बताया था कि जब तक इस चैनल को ब्रेक नहीं करता तब तक आपको इसको बाइंग नहीं करना है, अदरवाइज यहाँ पर ट्रैप होने के चांसेस हैं। यहाँ पर देखिए मैंने सेलिंग के लिए बताया था कि यहाँ पर सेल के लिए जा सकते हैं 287 रुपये के नीचे, फाइनली देखिए 287 रुपये के नीचे निकला और ये 286 रुपये के आसपास क्लोजिंग आई है। अब मंडे को देखिए यहाँ पर सेलिंग के लिए देखना है आपको, यहाँ पर बाइंग नहीं देखनी है। बाइंग कब देखनी है, जब तक ये देखिए चैनल जो बना हुआ है, जो ये मैंने चैनल बना के रखा अपर ट्रेंड लाइन, जब तक इसकी क्लोजिंग बाहर की तरफ नहीं हो जाती ब्रेक करने के, जब तक क्लोजिंग बाहर की तरफ नहीं आता तब तक हमको यहां पर जो है अभी बाइंग के लिए नहीं देखना है। यहां पर अभी हम सेलिंग के लिए देखेंगे, कहां देखेंगे 285 रुपए के ऊपर नीचे, 285 के नीचे निकलेगा तो हमारा टारगेट यहां पर 280 होगा। चलिए उम्मीद करता हूं कि जो बैंक निफ्टी की वीडियो आपको बना के देता हूं या इंट्राडे में जो भी चार्ट मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करता हूं टेलीग्राम चैनल में, वो चैनल उस चैनल में देखिए कंटिन्यू पोस्ट करता हूं, वो चार्ट आपको पसंद आते होंगे। देखिए मेरे चार्ट किस क्यों मैं पोस्ट करता हूं कि मान लीजिए अगर आप कोई गलत ट्रेड लेने जा रहे हैं तो मैं पूरी एनालिसिस करके वो चार्ट आप लोगों के लिए मैं सेंड करता हूं, तो आप उस चार्ट को देखें और आपको अपनी गलती पता लगे कि मैं अगर गलत ट्रेड लेने जा रहा हूं तो आप वो गलत ट्रेड लेने से बच सकते हैं। देखिए मैंने 2-3 चार्ट ऐसे पोस्ट किए थे जो कि मतलब मैंने प्रॉपर वहां पर बताया था कि मतलब साइन देखिए मैं बताता हूं कि मतलब ऊपर या नीचे, मतलब ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, और प्रॉपर उस दिशा में चलते भी हैं। उम्मीद करता हूं कि उस चार्ट से जो है आपको काफी हेल्प मिल रही होगी और जो है काफी अच्छा आप कर पा रहे होंगे, वो जो चार्ट है आपको एक अच्छा ट्रेड लेने में आपकी मदद कर रहे होंगे, एक प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने में आपकी मदद करते होंगे। चलिए उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।